नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर के तमाम बड़े रुकाम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बजट 2023 को लेकर बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी अगर सरकार ने मान ली ये तीन बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। बजट से अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी इंडस्ट्री कारोबारी और टैक्सपेयर्स और एक्सपर्ट्स आदि अलग अलग माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज रहे हैं। इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी काफी यहाँ पर उम्मीद है। वही बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर सीधी घोषणा होने की उम्मीद कम है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार 7वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान कर सकती है या बजट में कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी आवंटन कर सकती है। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की 3 मांगों पर मान लेती है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी जो है होना तय है। पहली मांग की बात करें तो पहली मांग यह है कि कर्मचारी लंबे समय से फिटमेट फैक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिटमेट फैक्टर फिलहाल 2.57% अगर उसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए तो कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेले या मासिक चले जो न्यूनतम बेसिक वेतन जो है वो 18 से 26 हजार रुपये हो जाएगा। वही दूसरी मांग की बात करें तो दूसरी मांग यह है कि कोरोना काल में 18 महीने तक डीए यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया, वह सरकार ने इसे फ्रीज कर दिया है। वही 1 जुलाई 2021 को डीए में सीधे 11% की बढ़ोतरी की गई, लेकिन 18 महीनों का डीए बकाया को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। वह सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें 18% डीए का बकाया जरूर मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की तीसरी मांग यह है कि 1 जनवरी से 1 जुलाई का डीए यहाँ पर सरकार बढ़ाती है। वही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि डीए में साल में पहली बढ़ोतरी 1 फरवरी से पेश होने वाले बजट के साथ ही कर दी जाए। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 3 से 5% के बीच डीए जो है बढ़ा सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। पीएम किसान योजना से यूपी के कई किसानों के कटे हैं नाम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को लेकर किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पहले से किस्त के 26 जनवरी से किसानों के खाते में आने की अभी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब इसकी नई तारीख जो है सामने आ रही है। दरअसल सरकार की तरफ से पीएम किसान के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से अपात्र अभियानों यानी अपात्र किसानों के नाम जो है वो लिस्ट से यहां पर काटे जा रहे हैं। इस कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 13वीं किस्त है वो मिलने में देरी हो सकती है। वही सरकार की तरफ से लिस्ट में यहाँ पर नाम काट जाने के कारण यहाँ पर KYC भूलेख सत्यापन नहीं कराना और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराना है। वही जागरूकता के लिए सरकार की तरफ से गांव गांव में जाकर KYC शिविर भी लगाए जा रहे हैं। वही यूपी में 11वीं किस्त में 2 लाख यहाँ पर 2,41,000 किसानों को यहाँ पर जो मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो लाभ था वो मिला था। 12वीं किस्त में ये संख्या घटकर 1,70,00,000 रह गई। अब 13वीं किस्त में 33 लाख किसानों के नाम और काटे जाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। यूपी के 33 लाख और किसानों के खाते में ये पैसे नहीं पहुंचेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। भर में विज्ञापन दिखाने पर लगेगा 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत वो उन्हीं प्रोडक्ट को एड्स यहाँ पर कर सकेंगे जिन्होंने उन्हें खुद को इस्तेमाल किया हो या फिर कर रहे हो, यानी उसी चीज का यहाँ पर एड्स वो कर पाएंगे जिनका खुद वो इस्तेमाल करते हो। यानी इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा चलाकर कस्टमर को गुमराह यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CCPA और मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरीज एंड सोर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना यहां पर लगा सकती है। लगातार नियमों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देना पड़ सकता है। साथ ही विज्ञापन वालों को यहां पर 6 साल तक किसी भी यहां पर जो एड सोर्सेज है उनसे यहां पर रोका जा सकता है, एडवर्टाइज से रोका जा सकता है। वह उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इसके जरिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देना या फिर जानबूझकर कोई जानकारी छुपाई भी इसमें नहीं जा सकती है। वह हर सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया अकाउंट पर यहाँ पर प्रमुखता से बताना होगा कि वो प्रचार के लिए पैसे लेते हैं या उनका कोई आर्थिक या फिर अन्य हित यहाँ पर है। वह विज्ञापन वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग में पूरे वीडियो में उन्हें यह बात साफ साफ लिखनी होगी। ये गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर शुक्रवार से लागू हो चुकी है। इस तरह की सब जानकारी यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देनी होगी।
बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशन भोगियों के लिए कुछ खबरें देखिए। कर्मचारी अब कभी भी जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, नया आदेश हुआ है जारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने घोषणा की है कि वे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को किसी भी समय अपना जो मतलब जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा कराने की अनुमति देगा। बताया गया है कि ऐसी कोई जरूरी तारीख नहीं है जिससे पहले वो यहाँ पर अपना पत्र जमा कराए। वही केवल जिस तारीख को आपने पिछले साल जमा कराया था उसी के अनुसार एक साल के अंदर अंदर कभी भी आपको जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा आप करा सकते हैं। ये पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन को आसान जो उनके लिए आसानी जो है वो सुनिश्चित करेगा। वही कर्मचारी जीवन प्रमाण पत्र कहाँ जमा उनको कराना होगा तो बता दें आपको कि भारतीय डाकघर, उमंग ऐप और सामान्य सामुदायिक केंद्र और पेंशन वितरण बैंक में जाकर आप इसे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा निकटतम आपके ईपीएफओ जो कार्यालय है वहां भी आप जमा करवा सकते हैं। वही पेंशन भोगी बिना किसी परेशानी के अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए इन स्थानों पर यहाँ पर जा सकते हैं। जमा कराने के लिए दस्तावेज है वो पीपीओ नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ और बैंक खाते का विवरण इसमें यहाँ पर होना चाहिए।